गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पढ़ाने वाली हूँ? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया? तो ये हैं आपके फ्रैक्शन के पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शन 3 टाइप्स की होती हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे तो फ्रैक्शन काफ़ी टाइप्स की होती हैं, जैसे लाइक अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले बताती हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। और हाँ, आपको इस वीडियो में सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे आपके पास है नंबर 3/8 दे रखा है ना, ये एग्जांपल में 3/8, तो 3 क्या है? न्यूमरेटर, और 8 क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। समझ गए आप लोग इतना? क्या बोला मैंने? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर्स स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसी फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होता है, वो फ्रैक्शन क्या कहलाती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब बताने वाली हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ ही साथ। जैसे 3/8, तो 3 छोटा है ना 8 से, तो ये क्या हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एक और एग्जांपल है 5/12, तो 12 बड़ा है और 5 छोटा है। तो अभी मैंने आपको यही बताया कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। 15 बड़ा है, 14 छोटा है, तो ये सारे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये क्या होता है, ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो कि न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम भी हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 9/5, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, और 10/10, तो दोनों नंबर सेम है ना, इक्वल है ना, तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए आप लोग? तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जैसे 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टिक मार्क द प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको टिक करना है, राइट का साइन बनाना है। और आपको लगता है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको क्या करना है? क्रॉस का साइन बनाना है। ठीक है, तो देखें, चलिए मैं आपको बताऊंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं आपको ये 6 क्वेश्चन करके बताऊंगी और बाकी 6 आपको खुद करने हैं। समझे गए? ठीक है, अब देखिए 19/17, तो बताइए ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? प्रॉपर क्या होता है? जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और
इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। समझ में आया आपको? तो देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है 19/17, तो बताइए न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? बोलियो, न्यूमरेटर। तो ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर? ये है इम्प्रॉपर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ऐसे फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये देखिए 216/25, तो इसमें तो आपको पता चल रहा होगा कि ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, 9/17 ये क्या है, इम्प्रॉपर या प्रॉपर? ये है प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो टिक करिए। और देखिए 27/28 ये क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? ये है प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और प्रॉपर होता है तो हमें क्या करना होता है, टिक। देखिए 1/28/15 ये तो पता चल रहा होगा कि ये इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर होता है तो क्या होता है, टिक, सॉरी रॉन्ग। और देखिए 15/17 ये क्या है, ये है प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो टिक करिए। समझ में आ गया आपको? बाकी आप लोग खुद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये होती हैं आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होती हैं बच्चों? ये होती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, इनकम्प्लीट नंबर है। जैसे 2 complete 1/5, क्या बोलेंगे इसको, 2 complete 1/5, 3 complete 2/4, 2 complete 5/7, 9 complete 1/7, 4 complete 3/8, 2 complete 1/6। तो हमें क्या करना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगी नोटबुक पर। देखिए मैंने ये फ्रैक्शन लिया है, इसे कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे बुलाते कैसे हैं, 2 complete 1/5। इसे क्या कैसे बोलते हैं, 2 complete 1/5। अब देखिए इसे हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, आपको पता है कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे वो सीख लीजिए, और बहुत ध्यान से सीखना है। ठीक है, मैं 2 question कराऊंगी बस, बाकी आपको खुद करना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए आपको क्या करना है, आपको 5 का multiply 2 में देना है। क्या करना है, 5 का multiply 2 में देना है। तो बताइए आंसर क्या आएगा, 5 का multiply 2 में देना है, यानी कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कंप्लीट नंबर में देना है। तो 5 2 are 10 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 10 आया है उसको 1 में ऐड करना है। क्या करना है, उसको 10 को 1 में ऐड करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 11/5। समझ में आया? आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मत लिखिएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए, बस आपको इसे 2 step में सॉल्व करना है, एक ये और ये डायरेक्ट आंसर। कैसे करोगे, 5 का multiply 2 में करो, 5 2 are 10, 10 को 1 में प्लस कर दो, तो क्या आ गया, 11/5। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो जल्दी जल्दी डायरेक्ट आंसर करना सीखिए। ओके, जैसे सेकंड आपके पास है 3 complete 2/4, 3 complete 2/4, तो इसको कैसे करोगे, 4 का multiply 3 में करो, 4 3 are 12, 12 को 2 में प्लस करो, क्या आएगा, बोलो जल्दी, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आता है उसको इसमें करना है ऐड। तो 4 3 are
12 और 12 प्लस 2 13 14, तो आपका आंसर क्या आएगा 14/4। और देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखती हूँ मैं क्वेश्चन, 2 complete 7/8। तो आप इसे कैसे करोगे डायरेक्ट बोलो, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 8 2s are, जल्दी बोलो, 8 2s are 16, 16 में 7 ऐड करो, बोलो 18 19 20 21 22 23। तो आपका आंसर क्या आया बच्चों, 23/8। समझ आ गया? तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.3 के दोनों क्वेश्चन अपने होमवर्क नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग के साथ काम करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।